आई गॉट फोर्थ गियर में, फिर भी यार सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यार, अभी मेरा न्यू ड्यूकी आया है तो थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकले हैं। यार रात में नींद भी नहीं लगता है जब ये आ गया है तो। यार सबका होता है ना एक सपना ड्रीम, जो कि अभी मेरा अभी पूरा हुआ है। यार हम ठीक से उठे भी नहीं हैं, देख सूरज भी निकला नहीं है, अभी देख सकते हैं। और हम निकले हैं इसको लेके, थोड़ा सा सोचे थोड़ा सा चला लेंगे, कैसा लग रहा है फील। पर यार थोड़ा डर भी लगता है ज़्यादा लेने से, यार अभी मेरा इसका आदत नहीं हुआ है। पर हम पहले भी थोड़ा बहुत चलाए हैं, जिसका वजह से हम थोड़ा बहुत अभी टेस्ट करते हैं क्या है क्या नहीं। अभी तो फ़िलहाल बस दिखाते हैं आप लोगों को, अभी सूर्य मंदिर तरफ जा रहे हैं। ओ माय गॉड, फोर्थ गियर में फिर भी यार। ओ रोड तो पूरा खाली है और ये मजा आ गया यार, तुरंत 40 यार क्या बोले हैं। तो अभी हम थोड़ा सा घुसते हैं सूर्य मंदिर तरफ, यार इधर भी मजा लगेगा। और ये है सूर्य मंदिर का गेट, आप लोग आज हम सूर्य मंदिर के बारे में बताएंगे थोड़ा सा। और ये है सूर्य मंदिर का गेट, यहाँ पे कोई टिकट उकट का कोई सीन नहीं है होता है यहाँ पे, ना पार्किंग चार्ज ना कुछ, और पूरा जंगल से भरा हुआ ये। और आगे का जो सीन है वो भी बहुत अच्छा है सूर्य मंदिर, सूर्य भगवान का, क्योंकि यार सूरज सबसे पहले यहीं पर गिरता है सूर्य मंदिर पे। देखिएगा अभी तो सूरज उठा नहीं है, अगर उठेगा तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो रोड भी काफ़ी अच्छा ही है, उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और गाइस ये रहा मेरा स्कूल, हम यही स्कूल से पर ग्राउंड भी है यहाँ पे, वहाँ पे बजरंगबली का बहुत बड़ा मूर्ति है अंदर में। अभी सुबह सुबह तो सूर्य मंदिर में कोई नहीं आया है, हमको इसको चलाने का मन कर रहा था इस वजह से हम इधर आए, अभी कोई नहीं आया है लेकिन हम आ चुके हैं वो देखिए। तो हम थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। तो पहले बाइक हम पार्क करते हैं यहाँ। और ये देखिए मेरा ड्यूकी इस कलर का है, और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। यार अभी न्यू लिए हैं ना तो मन नहीं मानता है, तो ऊपर जाके आके देखते हैं आप लोग को भी दिखाते हैं। ये है गाइस सूर्य मंदिर का सीढ़ी, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत पहले से बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए गाइस ये सूर्य मंदिर, यहाँ पे पूरा उधर का नीचे का सीन कुछ इस तरह से मेरा ड्यूकी वहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे पूजा बहुत सारे, यहाँ पे संडे का दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और इसका नीचे बता देते हैं आप लोग को, इसका नीचे में हॉस्टल भी है। फिलहाल तो अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे पूजा होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ घास भर चुका है, अभी कुछ दिन में ये सफाई हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को हम पूरा दिखाते हैं। यार मेरा घर के सामने तो सूर्य मंदिर ही है, जो कि हम आए हैं अभी सुबह सुबह, और कुछ भी रहता तो ज़रूर आते हैं। देखिए पूरा ये व्यू, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये 7 घोड़ा एक ही तरफ देख रहा है कि किधर, और कौन सा घोड़ा सेम दिख रहा है। रुकिए एक मिनट, आप लोग को बीच से हम दिखाते हैं। ये देखिए ये है सूर्य मंदिर, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 7 घोड़ा एक तरफ देख रहा है या अलग अलग, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको, क्योंकि हमको तो कुछ और दिख रहा है यार। तो आप लोग को भी क्या दिखता है हम देखते हैं वीडियो पे। तो ये है छोटा सा नहीं यार, बहुत बड़ा सूर्य मंदिर है ये, और बहुत नामी भी है। देखिए नीचे अंडरग्राउंड हॉस्टल भी है, पीछे भी एक हॉस्टल है सूर्य मंदिर का, जो नीचे पड़ता है अंडरग्राउंड। और तो यार यहाँ तो सूर्य मंदिर देख लिए, थोड़ा पूजा वूजा भी कर लिए, अब चलते हैं यहाँ से, साइड निकलेंगे NH 33 में। थोड़ा सा और चलाने मन कर रहा है,
यार दिन भर चलाने ही मन कर रहा है यार, अभी जब आया है तो। नहीं यार, और ये रहा, अब हम लोग चलते हैं उधर। अभी नंबर प्लेट हम नहीं लगाए हैं, आज लगाएंगे यार। मेरे पास बाइक भी नहीं था, इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। हमको बहुत ख़राब लग रहा था कि ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है। बहुत कोई कमेंट कर रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो यार बहुत, ये ड्रीम बाइक होता है यार। फिलहाल मेरा भी तो ड्रीम बाइक ही था और अभी आ चुका है मेरे पास। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किनका किनका ये ड्रीम बाइक है और किनको किनको ड्यूक 390 पसंद है। यार मेरा दोस्त के पास, लेरेक्स के पास भी था और उसी का हम चलाते थे, तो हमको बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हम भी सोचें कि थोड़ा सा ले ही लेते हैं। तो हम इसको बहुत मेहनत से लिए हैं यार। सपना होता है चलाने का, तो वो अभी हमको मिल रहा है। और अभी बुंडू में न्यू ओवरब्रिज बना है, हम आप लोग को वो भी दिखाते हैं। कितना लुकिंग दिखता है अच्छा पूरा रोड। ये NH 33 है, तो हल्का तो बनता है यार, क्योंकि नहीं ले जाने मन कर रहा है यार इसको, क्योंकि डर भी लगता है ना यार। डर नाम का चीज होना चाहिए। ओ माय गॉड, बहुत मस्त साउंड यार, बहुत जबरदस्त। और ये लाइटिंग अभी न्यू लगाए, रोड भी न्यू ही बना है। यहाँ लाइटिंग देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी दिन हो चुका है, तो दिन में लाइट नहीं जलेगा। ये होता है पावर यार। तो ये है बुंडू को दिखाते हैं हम, यहाँ पे जो ओवर ब्रिज बना है कितना अच्छा है। और ये रहा बुंडू का ओवर ब्रिज, तो यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं। नीचे पेट्रोल पंप है जो कि नीचे से बहुत अच्छा दिखता है। अभी ऊपर से आप लोगों को दिखाते हैं हम बुंडू का सीन थोड़ा सा छोटा सा। और ये धूप भी निकल चुका है, ये आकाश होटल यहाँ का फेमस है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं यार, थोड़ा सा। उस साइड जाएंगे तो बुंडू का हमको और जो बाजार उजार है वो दिखेगा। और ये देखिए गाइस, यहाँ से कितना अच्छा लाइटिंग लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रील्स वील्स शूट कर लेते हैं फिलहाल तो। A few moments later. तो यार रील्स भी बना लिए थोड़ा बहुत और वीडियो भी शूट कर लिए, अब चलते हैं अपना रूम की ओर। ले ही लिए, मेरा इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि यार मेरे पास बाइक नहीं था मेन प्रॉब्लम, तो जिस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। तो हम चेन थोड़ा सा हमको वॉश करवाना है, अभी रोड खाली है फिलहाल, पार कर लेते हैं। यहाँ पे है पार करने का, गड्ढा नहीं गड्ढा नहीं। हमको बहुत ही अच्छा लगा ये इस बाइक को लेके, बहुत मज़ा आया अभी चलाने में यार। नींद नहीं हो पा रहा है हमको रात में फिलहाल तो। और इसका साउंड बहुत मस्त। और ये रांची मोटर्स है, तो हम लोग छोटे छोटे सा बाइक के मतलब थोड़ा बहुत इस पर काम करवाते हैं। अभी हम चलते हैं अपना रूम की ओर, लेफ्ट साइड इधर बुंडू अंदर साइड जाता है और ये बुंडू का बाज़ार। सुबह सुबह यार यहाँ पे अच्छा, काफ़ी अच्छा सब्जी उब्जी मिलता है कम रेट पे, इससे ज़्यादा उधर राहे वाला रोड पे मिलता है। ओह माय गॉड,
करते रहेगा। अब देर नहीं होगा यार वीडियो आने में, तो तब तक के लिए बाय।